सिद्धार्थ पिठानी ने मारी पलटी, रिया का सपोर्ट करते करते अब बन गए सीबीआई के सपोर्टर। इनफैक्ट सीबीआई के पास रिया के खिलाफ जितने भी ड्रग्स को लेकर सबूत है वो सिद्धार्थ पिठानी ने ही दिए हैं। इस तरह की खबरें सामने आई है। आपको बता दें कि जब से रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट सामने आई है तब से बॉलीवुड में एक हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि एक ड्रग कार्टल से रिया चक्रवर्ती जुड़ी हुई थी, उनके थ्रू कई लोगों को ड्रग पहुंचता था और कई पैडलर्स से वो जुड़ी हुई थी। इनफैक्ट दो पैडलर्स को तो एनसीबी की टीम ने अरेस्ट भी करवा लिया और उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि सीबीआई ने भी एनसीबी को बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस दिए हैं रिया के खिलाफ जो कि उनको अरेस्ट करने के लिए काफी है। रिया किस तरह से ड्रग्स में इन्वॉल्व थी ये सभी बातें अब सीबीआई को पता चल चुकी है। कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी मेडिसिन थे उनके डिस्क्रिप्शन मंगाए हैं। अब सीबीआई की टीम ये जांचना चाहेगी कि इसमें कौन से ड्रग्स थे जो इलीगल तरीके से दिए गए, जो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं थे, और अगर थे तो उन्हें किन मात्रा में देना था और रिया उन्हें किन मात्रा में दे रही थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जैसे ही ये ड्रग्स वाला मामला आ गया है वैसे ही बॉलीवुड में एक लहर शुरू हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत केस पर मीडिया की कवरेज बंद करो, यानी कि मीडिया अब इस बारे में बात नहीं करे। इसके पीछे का कारण यह है कि अब जो ये ड्रग का मामला आ गया है इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स सेलिब्रिटीज के नाम आने वाले हैं। यही कारण है कि अब वो लोग जो इस मामले में फंस सकते हैं वो मीडिया के खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने सुशांत को जस्टिस दिलाने में आवाज नहीं उठाई लेकिन अब वो रिया को किस तरह से मीडिया हैरेस कर रही है, मीडिया इस केस में किस तरीके से कवरेज कर रही है, कितनी एग्रेसिव हो गई है मीडिया, इन सब बातों को उठाया जा रहा है। वीडियो शेयर की जा रही है न्यूज चैनल की कि किस तरह से जो अक्यूजेस हैं उनको मीडिया फॉलो कर रही है। तो ये जो एक नई लहर बॉलीवुड की तरफ से उठ रही है वो इसीलिए उठ रही है कि ये मामला वापस ठंडा हो जाए और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री का जो मामला है उसमें से जो ये ड्रग एंगल आकर निकला है ये एंगल कहीं बंद हो जाए और इस पर ज्यादा छानबीन नहीं हो, इसीलिए अब मीडिया को अटैक किया जा रहा है। हालांकि रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ सकती है, एनसीबी के पास कहा जा रहा है कि इनफ सबूत है रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के लिए भी। ना सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी ने रिया के खिलाफ ड्रग्स वाले सबूत दिए हैं बल्कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बता दिया है कि रिया चक्रवर्ती 4 लोगों के साथ ड्रग्स और नशीला पदार्थ अपने घर में मंगवाया करती थी। ये 4 लोग हैं दीपेश, नीरज, केशव और सैमुअल मिरांडा। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि घर में जब भी कोई नशीला पदार्थ आता था तो इन 4 लोगों के थ्रू ही आता था और ये बात कंफर्म की है कि रिया ही घर में ड्रग्स मंगाया करती थी। यानी कि रिया कितनी ड्रग्स में इन्वॉल्व थी इसका करीब करीब पूरा खुलासा सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के बारे में कर चुके हैं। आपको बता दें कि पहले सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी पर सवाल उठे, जिस तरह से वो दलदल में फंसने लगे, जिस तरह से सीबीआई उनको जब से वो मुंबई आए हैं तब से छोड़ नहीं रही है, रोज पूछताछ के लिए बुला रही है, उसी तरह से अब सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के सपोर्टर बन गए हैं और कहा जा रहा है कि सरकारी गवाह भी बनने के लिए उन्होंने हाँ कह दी है।